आपको कि कैसे कहां से पैसा आया और कहां चला गया, ऐसे ईवीएम में वोट कहां से आया और कहां चला गया, ये भी सारी चीजें उन्होंने समझा दी है। अब समय जाया ना करते हुए मैं चाहूंगा सर्वजन आवाज पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सुबेदार मेजर वीर सिंह चौहान साहब, वो आए और अपनी बात रखें। सुबेदार मेजर वीर सिंह चौहान साहब, सबसे पहले भानु जी प्लस यहाँ सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब और कोने कोने से इस देश के क्रांतिकारी भाई मैं देख रहा हूँ, इस उम्र में बहुत ही एज उम्र में भी जो आप लोगों ने आंदोलन में सहयोग लिया है, हिस्सा लिया है, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को जय हिंद करता हूँ, जय जय भारत करता हूँ। प्यारे देशवासियों, ये एक आजादी की लड़ाई है, ये एक आजादी की लड़ाई है। आप जो बैठे हैं ना, आप ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं साहब, मैं नहीं मानता आप नॉर्मल व्यक्ति हैं। आपके अंदर वही जोश है, वही जज्बा है, जिस वक्त मेरे देश के क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अशफाकुल्ला खान, जिन वीरों ने उन फिरंगियों के खिलाफ एक आवाज बुलंद करी थी, आप वही है, चेहरा बदल चुका है, नाम बदल चुका है, वही जोश है, वही जज्बा है, क्योंकि वो भी एक देश को आजाद करने की लड़ाई थी। और आज आप इस आंदोलन में बैठे हैं, अपना काम धाम छोड़ करके अपना सारा समय यहाँ पर आप दे रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ उस माँ को जिस कोख से आप जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए साथियों, आज जरूरत है इस देश को आप जैसे वीरों की, संख्या बल भले ही कम हो लेकिन आप एक एक व्यक्ति के करोड़ के मुताबिक है साहब, आप एक एक व्यक्ति के करोड़ व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति हैं साहब। मैं तो एक सैनिक हूँ साहब, मैं एक फौजी हूँ, और एक फौजी 18 से 21 साल जब उसकी आयु होती है, गरीब किसान और मजदूर के घर से अच्छी शिक्षा दीक्षा लेकर के, अच्छे अच्छे संस्कार लेकर के देश की सीमाओं की हिफाजत